कोविड 19 के दौरान कस्बे में बाहर से आए प्रवासियों की संख्या 2000 हो गई है तथा नाडोल कस्बा आसपास के कई गांवों के संपर्क में है। कस्बे में मातुश्री देवीबाई रंगलाल जी सोनीग्रास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर अनिल बोड़ा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाँच हेतु सैंपल लेने की अनुमति मिल चुकी है। इधर अस्पताल में अब तक 2000 लोगों की थर्मल स्कैनिंग हो चुकी है। इसके तहत गुरुवार को 9 लोगों के सैंपल लिए गए जिन्हें कोरोना जांच हेतु पाली सरकारी बांगड़ चिकित्सालय में भेजा गया, जहां से जांच रिपोर्ट आते ही संबंधित को मोबाइल फोन पर सूचित किया जाएगा। इससे पूर्व भी 29 सैंपल भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर बोड़ा के अनुसार कस्बे में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु डॉक्टर उर्मिला भाटी, डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर, मेल नर्स प्रथम सलीम मोहम्मद, नरेश बावल, सत्य प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, प्रहलाद सिंह एलटी, सुरेश कुमार, महेंद्र कुमार, सुनील लाल, रोसम्मा थॉमस, सफाई कर्मी वक्तावर मल, मुकेश, मनोज, गोविंद आदि कोरोना योद्धाओं की टीम 24 घंटे सेवाएं दे रही हैं। गुरुवार को जांच हेतु सैंपलिंग के दौरान सरपंच फूलकंवर राजपुरोहित, उप सरपंच नरसिंह राव, हीराराम गांसी, रूपाराम चौधरी तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।